हाँ जी, सत श्री अकाल जी, नमस्कार, आदाब। तुहाडा होस्ट और दोस्त शाने पंजाब ते अज एक मैनाज हस्ती जिन्हां दी जिंदगी सारी होस्टिंग ते लंघी आ, मौका मिलिया अज बापू जी हुणां नाल राबता करने दा। ते ना तो मुहताज नहीं हैगे राम प्रकाश चौधरी साहब जिन्हां ने रेडियो ते और दूरदर्शन ते ओ जमाना, अज तां बेशक नट दा जमाना, ये वो जमाना जदों जिंदगी रेडियो नाल लंघदी सी जां दूरदर्शन डिवेलप होकर दूरदर्शन आया। तो अज अंकल जी होना ना असी इन्हां दीआं गल्लां सांझीआं करनीआं थोड़े नाल, जिन्हां नूं नहीं पता आने वाली जनरेशन जो नवीं जनरेशन आ, ये वो मैनाज हस्ती आ। जदों कदे हुण तुसीं यूट्यूब ते गाने सुनदे हो देखदे हो तो ये उस जमाने काम किया है जदों बहुता असी डिवेलप नहीं सके, रेडियो ते अंकल होना ने काम किया तो दूरदर्शन है। सो अंकल जी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। अज तक तुसी लोगों नाल क्वेश्चन आंसर किए, अज सानू मौका मिले थोड़ा गलबात करने का, थोड़ी जिंदगी के पहलू जानने का। शुरू करते हैं अपनी उम्र कितनी है जी इस वेले? मेरी उम्र जी इस वेले 87 साल की हो गई है। अंकल जी हुणां दी 87 साल की उम्र हो गई है। अंकल जी असीं थोड़े जिंदगी के कुछ पल जिहड़े आ मतलब वो थोड़े को असीं थोड़े मूँह तो सुनना चाहते हैं। तो तुसीं अपनी जिंदगी गल जिहड़ी शुरुआत आ बेबे बापू तो लैके पढ़ाई तक दी काम दी सारे जिहड़े खट्टे मिठे जिंदगी दे रहे आ तजर्बे वो साढ़े सज्जणां नाल सांझे करने आ। तो जन्म थोड़ा कित्थों ते कदों किद्दां वो शुरू करना जी? मेरा जन्म होया अपने 15 जून 1936 जी, होया पिंड खीवियाल पिंड। ठीक। तो उस तो बाद फिर मेरे फादर से टीचर, उस तो बाद टीचर उसकी डैथ हो गई, मैं फिर इतने बलाचौर आ गया। बापू जी उन्होंने की नाम सका जी? सदाराम, मास्टर सदाराम। मास्टर सदाराम जी। बेबे जी का की नाम सका जी? बेबे जी हाँ शिवदेई, शिवदेई, शिवदेई उसका नाम सका जी। सो बापू जी हुणी खीवेआल इन्हों का जन्म होया, बापू जी ते बेबे उन्हों तो बाद जी मुढ़ली विद्या पिंड तो शुरू हो गए, तो बलाचौर अगली क्लास जी शुरू हुई, तो वह तो बाद बापू जी इस तो बाद जब पाकिस्तान बनिया ना तो उस वेले इतने असी पांचवीं पढ़ते होंगे सी, हौली हौली असी सब कुछ गेन किया इस स्कूल तो जी। उस तो बाद फिर मैं कभी चला गया सी अगे नाभे जी, नाभा एक बहुत ही अच्छी इंस्टीट्यूट दसी गई सी, उस इंस्टीट्यूट के मैं 2 साल पढ़िया नाभे जी, जी। नाभे तो बाद फिर मैं जाके जाना पिया अपने की कहते अमृतसर खालसा कॉलेज अमृतसर के फिर आप कहते एजुकेशन ली उत्थे जी, जी। अच्छी एजुकेशन ली है ठीक, अच्छा बहुत रनाउंड कॉलेज सेगा उत्थे साडा नाम नंबर एक ते आंदा सी हर जगह हुंदा सी जी। ते बाकी काम कार जिहड़ा है उत्थे सरकारां दे विच होवे चाहे स्कूलां च होवे चाहे कुछ होवे सानू शौक हुंदा सी बोलण दा, कविता पढ़न दा, स्टेज ते आण दा, इह शुरू ते अखीर तक यही चलदा रहा। जिथे कोई नवीं चीज़ां हुंदियां सी उत्थे मेरा नाम जरूर आंदा सी। उस तो बाद फिर असी हौली हौली मैं जमुना नगर चला गया, जमुना नगर दे विच भी मैं फिर ट्रेनिंग ली जिहड़ी टैक्नीकल एजुकेशन दी है जी। उस तो बाद फिर मैं कुरुक्षेत्र भी गया, उत्थे भी मैं 3-4 महीने उत्थे भी लाए जी। इस तो बाद फिर मैं जाके इत्थे नवा शहर पता किया भी इत्थे तुहाडे पास किहड़ा कॉलेज, उह कहिंदे साडे पास कॉलेज है नहीं स्कूल हैगे, मैं कहा स्कूल तो औखा है। फिर असीं मुड़ के इत्थे आ गए और 10वीं फिर मैं इत्थों कीती है। अच्छा जी। तो उस तो बाद फिर मैनू वह नाभे वाले लग गए, नाभे का महाराजा नाभे का बड़ा कॉलेज सी रनाउंड सी, अगे भी उत्थे मैं जानते वो मैं जानते जाणू हो गए सी, तो उन्होंने गल्लां सुनिया, उन्होंने कहना कि तुसी इत्थे आओ। फिर नाभे तो बाद मैं चला गया अमृतसर जी, जी, जी। उत्थे भी कॉलेज पढ़े, कॉलेज पढ़ के काफ़ी अच्छी एजुकेशन ली। उस तो बाद फिर ये होया कि मैनू सिलेक्शन फिर हो गई मेरी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हले हले शुरू हुई सी, शुरुआत ही हले लुधियाने जी। हाँ लुधियाने। ठीक है जी। उस दे विच फिर मैं काफ़ी समा लाया, तो बल्कि ये है कि मैं उन उत्थे सब तो मोरी होके काम किया, तो उदे बाद फिर अगे तो अगे मेरा मैं फिर हायर एजुकेशन कर ली, तो
उस तो बाद फिर मैंनू एक किया कि तुसी डॉक्टर एम एस रंधावा सी हूँ भी है कि मर गए हूँ ता लेकिन ही वॉज नाइस मैन बहुत इंटेलीजेंट पंजाब का अफसर सी चंडीगढ़ बसाण वाला ना उ डॉक्टर रंधावा डॉक्टर रंधावे ने मैं लिया अपने की कहते हैं साडा जो जलंधर है जलंधर जिथे असी शुरू किया रेडियो से उतों फिर शुरू किया उन्हें मैं कहना राम प्रकाश आह चीज़ा तुम चाहिए जिम्मेदारों आह जो जिम्मेदार नहीं आते उन्होंने तुम दसो आप बोलो सवेर न मैं 5-7 मिनट जरूर जिम्मेदारों को कहना जो भी कहते मतलब जेड़ा थोड़ा शौक सगा पहला तो स्कूले वेले तो थोड़ी गतिविधि रही स्टेज पर जान की मतलब जोड़े कल्चरल प्रोग्राम होंगे उन एक्टिविटी वह बाद चो भी कितने वजों भी कम आई कम बहुत चंगी तरह आई जी कम ऐसी कोई गल नहीं है फिर दोपहर न फिर जो शौक मतलब शौक ना कम किते है वह कम आता है तो अच्छा हाँ जी रेडियो तो बाद जो रेडियो तो हो गए जी उत्थे तुसी कितना टाइम कम किया रेडियो से जी रेडियो से तो मैं जनाब कम किया है कि 24 to 26 साल तक 24 to 26 साल रेडियो टीवी दो ही मिलकर ही है इन्ना कम किया मतलब सरकारी जॉब सी ना जी हाँ सरकारी अच्छा तुसी जी सरकारी गवर्नमेंट इंप्लाई तुसी कदों बने सके जी गवर्नमेंट इंप्लाई तो मैं बहुत पहले ही आ गया सी जदों अपने डाबे तो शुरू हो रही सी फिर कहते है ना मैट्रिक का इम्तिहान दियो अच्छा नहीं जी नाभे से नाभे मतलब कि क्लास नाभे सी क्लास अमृतसर से जी नाभे जी क्लास सी ना जी हाँ जी वो मैं नौवीं तक नाभा की ओके ओके जी अच्छा उस भी तुम स्टेज गतिविधियां कल्चर करते उत्थे मेरी यह सी कि जिन्होंने कुछ भी नहीं आता मैं स्टेज पर खड़ा होकर लैक्चर वैक्चर कर ठीक है जी आ करना आ करना जी 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 कई दिन बारियां ड्यूटियां मैं लाता सी कि चाहे प्रोफेसर कोई आए कि नहीं आए लेकिन तुम आ कम कर रहे जी 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 इस तरह फिर होंगे होंगे चले गए उत्थे अपने अमृतसर जी 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 अमृतसर भी लोगों ने मेरी मदद की थी जी 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 सोने काम भी की थे मशहूर अच्छा मतलब स्टडी करते करते नाले नाले इंप्लाई जिहड़े तुसी गवर्नमेंट इंप्लाई बन गए वो बन गए अच्छा नाल फिर ये भी हो गया जब मैं गवर्नमेंट इंप्लाई बन गया तो ये कहते हैं कि जलंधर रेडियो से जेडे महाराज के प्रोग्राम ने जी कुछ ऐसे है जी ते ओ जिहड़े ना पे कद किदां होए इत्थे बनिया अमृतसर ते असी उत्थे मैं जांदा रहा जी ठीक है इत्थों जलंधर तो फिर लैके रिकॉर्डिंग दूजी तीजी लैके इन्हां दा भी एक बंदा लैके ते उन्हां नूं उत्थे असी जाणा फिर उत्थे 2 दिन दा प्रोग्राम असी उत्थे दरबार साहब विच करदे रहे ठीक है जी उत्थे भी साडी प्रैक्टिस हो गई लोकां नूं मिलदे मिलदे वापिस हो जांदी है ते ओ भी काफ़ी अच्छा रहा मेरा फिर इत्थे जलंधर जलंधर मैं तो काफ़ी कानून बंदा बनी गया सी हर बंदा जानता सी पिंडां दे जट जिमीदार चाहे लड़कियां होन उन्हां नूं भी ट्रेनिंग देनी चाहे कोई होर सी होर ढंग की ट्रेनिंग देनी लेकिन एजुकेशन के नाल नाल स्पोर्ट्स की भी मैं लोगों को काफ़ी दी जो स्पोर्ट्स के टूरनामेंट होंगे सी ना उत्थे भी पहला जाके आप रनिंग कमेंट्री भी कर लेंगे यानी ऑलराउंड रहे ये नहीं पे आई करना का ही करना हर एक चीज़ की आप की डीजे जोकी की गल करते हैं डिस्क जोकी जे मैं अज दे लहजे ना गल करा तो अंकल साढ़े रेडियो जोकी मीनस रेडियो तो बह के हर विषय कोई भी विषय लेना उस विषय के लोगों वो गल समझानी से अज का जोड़ा समय डीजे जोकी कह रहे हैं तो अंकल साढ़े रेडियो जोकी तो बहुत वधिया लग रहा अंकल हुण गल करके क्योंकि सानू भी कुछ ना कुछ सीखने मिलना आ ते मिशन भी साडा यही है शाने पंजाब क्योंकि ये शाने पंजाब तो यह रेडियो दी दूरदर्शन दी शान अज गल हो रही है सो अगली गल जिहड़ी नाल इदां करी जानी है क्योंकि 87 साल की उम्र आ ते क्योंकि रिपीट लग रही है नाभा और अमृतसर नाल खास लगा रहा है गल्लां करदे करदे भी पता लग्या भी जदों अंकल हुणी काम करदे से तां सरकारी तौर ते सुंदर नगर जिथे भी कित इन्हों की लोड़ पैंती सी तो क्योंकि सरकारी मुलाजम होने के नाते इन्हों का फर्ज बन जाता सगा तो ड्यूटी तो अंकल हुणी गल करते रहे भी हिमाचल भी बहुत समा इन्ह ने ड्यूटी की आ तो अंकल जी माफी जरा फैमिली वाले पास नूं असीं होईए तो ब्याह जिहड़ा किस उम्र च होया ब्याह तां जी
कि मेरा मेरे ख्याल है कि मैं उस वेले ना कि 24 साल का 25 का हो गया सी फिर मुंडा जवान हो गया नाले सरकारी मुलाजम हो गया सगा फिर घरदियां दी भी इह गल हुंदी है जी कीती सी हां जी हां जी मैं हिमाचल दे विच भी ओ भी पार्ट ऑफ पंजाब सीगा हां जी ते उत्थे भी मैं काफी मैनूं ले जांदे सी मैं जांदा हां जी हां जी उत्थे भी उहनां दे पिंडां दे दूजे तीजे कोई होर जिहड़ी प्रॉब्लम होवे कोई होर नवां काम देना होवे करना होवे कोई जिम्मेदारां नूं समझाणा कोई किसे नूं जिहड़ा भी होवे ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੂੰ ਇਸ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰ ਜੀ ਜੀ ਪਾਲਮਪੁਰ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਾਲਮਪੁਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ 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 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਗਾਹੇ ਵਗਾਹੇ ਇੱਥੇ ਲੇਕਿਨ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਜਲੰਧਰ ਜੀ 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 ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਮੇਜਰ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਕੀਤੇ ਪੂਰੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਿਮਲਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ 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 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੀ ਸਭ ਕੁਛ ਮਾਲਕ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਾਲਕ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰੁਝਾਨ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਆ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਫਰੂਟ ਦੇ ਇਹ ਮੈਂ ਫਰੂਟ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਵੀ ਮਾਹਿਰ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸੁੱਖ ਲਏ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਡਿਊਟੀ ਟਾਈਮ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 2 ਲੜਕੇ 1 ਲੜਕੀ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਜਲੰਧਰੋਂ ਫਿਰ ਲਈ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਦੋਏ ਆਹ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ ਦੋਏ ਖੜੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜਲੰਧਰੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜੀ 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 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ ਕੁਛ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਆਹ ਹੋ ਜੂਗਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਗਿਣਵਾ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰ ਦੂਜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੱਤਵੀਂ 'ਚ ਸੱਤਵੀਂ ਅੱਠਵੀਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5-10 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਟੀਚਰ ਐਸੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਤਾ ਅਤੇ ਕੱਢਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾ ਕੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੁਣਾਵੇ ਤੂੰ ਕਾਕਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁਣਾਤਾ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਤੀ ਦੋ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਹੋ ਚਾਹੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਹੋ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਕੱਲ ਇਹ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਇਹਨੇ BSc MSc ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕਮੇਡੀਅਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਜੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਸੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਅੱਜ ਅੰਕਲ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਆ
अंकल होना दी मतलब काफ़ी देर तो मैं इन्हों जानता हाँ इतने निजी जेडे समाजिक काम आ उन्होंने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा रख लेंदे आ सानू बहुत सख्त 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 लोड़ आ यहोजी शख्सियतों की यहोजे लोगों की क्योंकि समाज में सीध देने वाली हुण जे जसविंदर भल्ला हुण दी गल करदे तां उह एक जमाने च रिजैक्ट हो गए सके पर इन्हां दी छतर छाया हेठ मैं देखिया असी ड्राइंग रूम च बैठे हाँ तो बहुत बहुत सोनिया गांधी जी होना फोटो तमाम मतलब जिहड़े उच्चे पदवी तों उच्चे अहुदे ते लोग बैठे आ उह स्पैशली इन्हां नूं मिलण आउंदे रहे आ इह गल जसविंदर भल्ला हुणां दे मूँह तों मैं हमदर्द मेले च सुनी हुई आ सो अज दा जिहड़ा एपीसोड सीगा अंकल हुणां नूं समर्पित आ ते मालक इन्हां दी जिहड़ी तंदुरुस्ती आ इन्हां नूं ऐन मालक उच्ची 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 पदवी ते ऐसे तरह ही उन्होंने कहते ऐची उच्ची सोते ही बिठा के रख।